हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाली हूँ एलिस एंड कवर से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे फेवरेट शिवी से रिलेटेड कुछ बातें करने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसा बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, बार बार कॉमेंट कर रहे हैं कि दी क्या एलिस एंड कवर के बीच में कुछ ठीक है ना, दोनों काफी क्या होता है कि काफी दिनों से ये दोनों जो है एक दूसरे की सारी फोटोज और सब कुछ के जो भी दोनों एक दूसरे पोस्ट करते थे तो सब पे कमेंट्स करते थे। बट अभी दो कुछ मैंने भी नोटिस किया, कुछ दिनों से ये अभी नहीं हो रहा था। बट एक्चुअल में हम सोचते हैं कि हमेशा ही ऐसा चलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा बिजी होते हैं तो नहीं कमेंट कर पाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि यार अगर जैसे कोई फोटो अपलोड हुई, मतलब कोई फोटो डालता है और तुरंत हम कमेंट नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसा ये भी होता है कि यार ठीक है अब नहीं किया तो कोई नहीं, नेक्स्ट में कर देंगे। तो इस टाइप की भी चीजें होती है। उसे हम ये नहीं वो कर सकते कि एज्यूम कर सकते कि दोनों के बीच में वाकई में कोई प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब अपने मन से सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और यार दोस्ती है, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो भी, बट इसका इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ये सोचे कि कुछ दोनों के बीच में क्या है। ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, दोनों एक दूसरे बात है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के बीच काफी अच्छा चल रहा है और दोनों से अभी काफी प्यारी प्यारी जो पार्टी थी उसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी पिक्स हमें हमारे लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ शिवी के फैंस के लिए उन्होंने प्रोवाइड की है, जिसे देख के आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे थंबनेल में भी आप लोगों ने वो फोटोज देखी होगी, मुझे पता है कि थंबनेल में क्लियर नहीं होता है, तो मैं ये सारी फोटोज जो मैंने थंबनेल में लगाई हुई है ये मैं सब अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। आप कम्युनिटी में एकदम आराम से देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, जाकर आप एक बार मेरी कम्युनिटी में देख लीजिएगा। वैसे भी मैं डालती ही रहती हूँ, जो भी अपडेट आती है, मतलब न्यू पिक्स आती है तो वो मैं अपडेट करती रहती हूँ आप लोगों को शिवी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी वेट करते रहते हैं कि कोई न्यू पिक आई हो। जो इंस्टा पे नहीं है वो तो बहुत ज्यादा वेट करते हैं, जो इंस्टा पे रहते हैं वो तो उन्हें तो तुरंत मिल जाती है, इवन मुझसे भी पहले मिल जाती है, मुझसे भी पहले वो लोग चेकआउट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और जो लोग नहीं है वो वेट करते रहते हैं। सो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि उन लोगों को वेट करना पड़े। जैसे ही मैं देखती हूँ वैसे ही मैं फोटोज वहां से लेके सीधे अपने कम्युनिटी में डालती हूँ, ताकि आप लोग वो जो फोटोज है वो देख सके और आप लोगों को भी थोड़ा रिलीफ मिल सके और अच्छा लगे, क्योंकि हमें जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी फोटोज देख के ऐसे ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून। जैसे ही मैं भी देखती हूँ इनकी फोटोज तो मुझे भी बहुत अच्छा अच्छा सा फील होता है, मैं भी खुश होती हूँ। सो एक्चुअली मैं वीडियो अभी बनाने वाली नहीं थी, बट जैसे ही मैंने फोटोज देखी इन दोनों की तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी ये दिखानी चाहिए और आप लोगों को अपडेट करनी चाहिए। और इन लोगों का जो जो फ्रेंडशिप है, जो एक बॉन्ड है इन दोनों के बीच, एक स्पेशल बॉन्ड, वो उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और एक मैंने इन दोनों का एक वो भी देखा था, छोटा सा एक इंटरव्यू टाइप का, जिसमें दोनों ही थे साथ में, और दोनों जो है वो उसमें जो हमारे कवर है वो कह भी रहे थे कि ये एलिस जो है वो पूरे टाइम कवर के ही कमरे में रहती हैं, मतलब उनका जो अलग से रूम है उनका जहाँ पे वो रेडी होते हैं इसके लिए शूट के लिए, वो वहीं पे रहती हैं, वहीं खाना खाती हैं, वहीं कभी कभी सो भी जाती है। मतलब दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी दोनों का जो बॉन्ड है, दोनों की जो एक दोनों के बीच स्पेशल फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी चल रही है। सो डोंट टेक टेंशन, दोनों बहुत अच्छे हैं, हमारे जो शिवी है वो साथ में ही है, एक साथ है। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और एंजॉय कीजिए, और दोनों की जर्नी और हमारे शिपा रावी की भी जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसे भी एंजॉय कीजिए। और जैसे ही मुझे कुछ और भी अपडेट्स मिलती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहूंगी और बताती रहूंगी, बट आप लोग वो मत होइए, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें भी हम भी पसंद करते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट रहते हैं और पिक्स हम लोगों से शेयर करते भी रहते हैं ताकि हमें भी अच्छा लगे। सो दोस्तों, ये इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, न्यूज के साथ, या फिर आप ही लोगों में से किसी के प्यारे से कॉमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दिल से, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय।